12 अप्रैल 2023 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी को मेरे द्वारा दर्ज मानहानि के मुकदमे में पटना के MP MLA कोर्ट के अंदर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना है। पटना के MP MLA कोर्ट ने उनको समन किया है कि वो उपस्थित होकर और सेक्शन 317 CRPC के तहत अपना बयान दर्ज कराएं। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले को लेकर मैंने भी एक मानहानि का मुकदमा पटना के CJM कोर्ट में दर्ज कर रखा है, जिसमें मैंने कहा है कि उन्होंने देश के लाखों मोदी सरनेम वाले लोगों को गालियां दी हैं, जो मोदी सरनेम रखने वाले जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको अपमानित किया है। और इस मामले में 6 जुलाई 2019 को राहुल गांधी को पटना के कोर्ट के अंदर सरेंडर करना पड़ा था, वो भी बेल पर है। मेरी ओर से 4 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है और अब उनका बयान दर्ज किया जाना है। तो इसलिए पटना के MLMP कोर्ट ने 12 अप्रैल को तारीख तिथि निर्धारित की है, जिस दिन राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। मामला बहुत पुख्ता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सूरत के कोर्ट ने उनको सजा दी है, इस मामले में भी और कोर्ट जो इसका संज्ञान लेगा और उनको उचित सजा देने का काम करेगा।